गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एमकॉम सेकंड सेमेस्टर का रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसके सिलेबस और एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न, ये लेसन नंबर 1 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे। मैं हूँ आपका प्रोफेसर डॉक्टर के वी सोमनाथ, जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वर्धा, महाराष्ट्र। सबसे पहले जो आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी की जो एमकॉम सेमिस्टर सेकेंड का पेपर 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट की सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। ये जो सिलेबस है 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहला यूनिट, उसका हेडिंग है इंट्रोडक्शन, उसके अंतर्गत मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च अप्रोच, मोटिवेशन ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च प्लान एंड डिजाइन, रेलेवेंस एंड स्कोप ऑफ रिसर्च इन कॉमर्स, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च, फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च, यूज ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन रिसर्च, मेजर प्रॉब्लम्स इन रिसर्च प्रोसेस। ये आपको यूनिट 1 के अंतर्गत दिया गया है। ये सब एक बार देखने के बाद अपने को पता चलेगा, ये है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब दूसरा यूनिट है रिसर्च डिजाइन। ये जो रिसर्च करने की जो पद्धति है उसकी जो डिजाइन है, ब्लूप्रिंट है, उसके बारे में ये यूनिट 2 पढ़ाया जा रहा है। उसके अंतर्गत रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन, प्रॉब्लम डेफिनेशन टेक्निक्स, कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, फीचर्स ऑफ गुड डिजाइन, स्टेप्स इन सैम्पल डिजाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैम्पल डिजाइन, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, मेजरमेंट एंड स्केलिंग टेक्निक्स, स्केलिंग एंड स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। ये है यूनिट 2 के अंतर्गत अपने को बताया जा रहा है। तो ये जो यूनिट 2 का जो महत्वता है, ये खास कोई भी स्तर का रिसर्च हो, या नेशनल लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का हो, या लोकल लेवल का हो, ये सब ये रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत ही करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा रिसर्च होता ही नहीं है। तो ये है पूरे रिसर्च की एक ब्लूप्रिंट, कैसे करना उसके बारे में ये बताया जा रहा है। अब यूनिट 3 के बारे में देखेंगे। यूनिट 3 है कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इसके अंतर्गत मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, प्राइमरी डेटा, यूजिंग ऑफ क्वेश्चनेयर, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन डेटा कलेक्शन, फील्ड वर्क, सर्वे प्लान, सर्वे एरर्स, डेटा कोडिंग, एडिटिंग एंड टैबुलेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, टूल्स ऑफ एनालिसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, प्रोसीजर फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, टेक्निक्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ये पूरे रिसर्च डिजाइन में ये जो यूनिट 3 है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरा डाटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से रिलेटेड है। उसमें डाटा कलेक्शन भी आया है, डाटा कलेक्शन मेथड्स के बारे में आया है, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में आया है, और हाइपोथेसिस क्या है उसकी टेस्टिंग के बारे में भी आया है, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ये जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या यूज कर सकते हैं, और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा भी कैसे करेंगे, ये भी बताया जा रहा है यूनिट 3 के अंदर। इसी को हम बोल सकते हैं द कोर ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट यूनिट 4 है, इसके अंतर्गत रिपोर्ट राइटिंग है, यानी पूरा रिसर्च करने के बाद उसकी जो प्रस्तुति जो संस्था को, जो एडमिनिस्ट्रेशन को, या गवर्नमेंट को, या अथॉरिटी को, या किस सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, या सोसाइटी को जो सबमिट करेंगे, उसकी जो रूपरेखा कैसी होना चाहिए वो इसमें यूनिट 4 में बताया गया है रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्वालिटी ऑफ ए गुड रिपोर्ट, लेआउट ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट्स, कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट, फॉर्मेट ऑर्डर्स, स्टेप्स इन रिपोर्ट राइटिंग, प्रिकॉशंस इन रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, रिसर्च इन कॉमर्स, जनरल मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च SBIR, रिसर्च इन फंक्शनल एरियाज लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, HR एंड प्रोडक्शन एंड
the application and use of software packages like SPSS means statistical package for social sciences. ये unit 4 जो है जो research हम करते हैं systematically उसकी जो outcome है उसको कैसे कैसे present किया जा सकता है, लोगों को प्रस्तुति किया जा सकता है उसके बारे में यूनिट 4. अगर प्रस्तुति में कुछ खराब है तो ऑटोमेटिकली जो रिसर्च की जो महत्वता है वो लोगों तक या समाज तक रीच होने वाला नहीं है और उसकी बेनिफिट समाज को या इंस्टीट्यूशन को या गवर्नमेंट को मिलने वाला नहीं है. तो इसीलिए ये रिपोर्ट राइटिंग है. इसके अलावा स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च यानी छोटे छोटे जो व्यवसाय रहते हैं उसके अंतर्गत इनोवेटिव रिसर्च कैसे किया जा सकता है. जैसे बिजनेस रिसर्च में बिजनेस फंक्शनरी एरियाज जो है मार्केटिंग फाइनेंस एचआर एंड प्रोडक्शन इनकी यूसेज कैसे किया जा सकता है वो भी बताया गया है और स्टैटिस्टिकल पैकेजेस को कैसे यूज करके डाटा एनालिसिस डाटा प्रोसेसिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा टेस्टिंग किया जा सकता है वो भी इसमें बताया गया है. ये है यूनिट 4 के बारे में. अभी हम देख लेते हैं रेफरेंस बुक्स. जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं एक जिकमन बिजनेस रिसर्च मेथड्स है, दूसरा मार्केटिंग रिसर्च जीसी बेरी है, द्विवेदी रिसर्च मेथड्स इन बिहेवियरल साइंसेस है, बेनेट रोजर मैनेजमेंट रिसर्च है, साल्किन एंड नेल एक्सप्लोरिंग रिसर्च है, पी मदन पालीवाल रिसर्च मेथडोलॉजी है, बी कोठारी रिसर्च मेथडोलॉजी है और वी उपाध्याय एंड ए शिंदे रिसर्च मेथडोलॉजी सुल्तान चंद कंपनी का है. इसके अलावा अपने को बहुत सारे हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम का भी बुक्स अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है और रिसर्च मेथडोलॉजी की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक्स में एक है सी आर कोठारी बुक है वो भी बहुत अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है. उसके अलावा मार्केटिंग रिसर्च जो सेकेंड नंबर का बुक यहाँ पे दिया गया है रेफरेंस बुक्स में जी सी बेरी का, ये मार्केटिंग एंड रिसर्च बोलो या जनरल रिसर्च बोलो उसमें बहुत काम में आने वाला बुक है. इसके अलावा मेरे तरफ से आपको एक पीडीएफ के रूप में यूनिट वाइज आपको रिसर्च मेथडोलॉजी के नोट्स भी मिलेगा सबसे आखिर में या एक एक यूनिट खत्म होने के बाद. ओके, उसके बाद ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है आपको सेमेस्टर एंड के बारे में बाद में क्या मिलने वाला है. सो टोटल सेमेस्टर में इस सब्जेक्ट का 100 मार्क्स है. टोटल मार्क्स फॉर दिस सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी आर 100 मार्क्स. आउट ऑफ दिस 80 मार्क्स आर फ्रॉम दिस सेमेस्टर and examinations conducted by the university either online or offline. 20 marks are from the internal assessment by the college. ये जो 20 marks जो internal assessment है वो बहुत सारे parameters जो college time to time decide करती है उसके अंतर्गत आपको 20 mark की जो evaluation मिलेगा. उसमें generally आपका participation कैसा है, आपका presentation कैसा है, case studies कैसा है, आप assignments कैसे किए हैं, आपके assignment सही समय पे support सबमिट किया गया है कि नहीं, अच्छी तरह से केस स्टडी किया है कि नहीं, ये सभी बारे में कॉलेज देखेंगे और अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के जो प्राध्यापक और जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है मिलकर उसके ऊपर डिसीजन लेके आपको इंटरनल मार्क्स की अवार्ड किया जा सकता है. तो आपको 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम का मार्क्स है, 80 मार्क्स एक्सटर्नल का मार्क्स है और आपके एग्जामिनेशन जो सब्जेक्ट है एक्सटर्नल 80 मार्क्स का उसका पेपर ऑलरेडी आप फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे IFS सब्जेक्ट लिखे थे सेम टू सेम वही पैटर्न है. यहाँ पर भी चार यूनिट से आपको चार क्वेश्चन लिखना है, टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा. एक एक यूनिट में आपको 16 मार्क है, 1AB जो है वो 8-8 मार्क का है. अगर ये भी में एक नहीं आता या दोनों नहीं आता तो आपको और एक ऑल्टरनेटिव है सी क्वेश्चन लिख सकते हैं जो 16 मार्क का है. वैसे सेकेंड यूनिट में भी AB और सी है, थर्ड यूनिट में भी AB और सी है, फोर्थ यूनिट में भी AB और सी है और फिफ्थ यूनिट जो है वो चारों यूनिट यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 जो है उसके अंतर्गत चार क्वेश्चन दिया जाता है जो थ्योरेटिकल है और स्मॉल आंसर है वेरी ब्रीफ आंसर का 4 मार्क का क्वेश्चन. टोटल 4 क्वेश्चंस 4 यूनिट से आएगा और पांचवी यूनिट में चारों यूनिट से एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे. टोटल 16 × 5 = 80 मार्क का आपका पेपर है. ओके, और ये जो रिसर्च मेथडोलॉजी जो सब्जेक्ट है अगर आप सिलेबस देखेंगे ये थोड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है, ये थोड़ा साइंटिफिक मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल बेस का सब्जेक्ट है और आप तो स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी डिग्री लेवल में करके आए हैं उसकी हर जगह पे यूज इस रिसर्च मेथडोलॉजी की सब्जेक्ट में आएगा. खासकर आपको सेकेंड यूनिट में उसकी
डिस्क्रिप्टिव है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है और सैम्पलिंग डिजाइन है, स्केलिंग एंड स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक, उसके बारे में आपको स्टैटिस्टिक्स की यूज रहेगा। वैसे यूनिट 3 में भी आपको डाटा कलेक्शन, क्वेश्चनेयर डिजाइनिंग, ये सब टूल्स ऑफ एनालिसिस, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, जैसे आप एफ टेस्ट, टी टेस्ट, चाई स्क्वेयर टेस्ट, ये जो जितने भी टेस्ट आप करते हैं वो सब आप स्टेटिस्टिकल पार्ट का एक भाग है। तो ऑटोमेटिकली ये आप जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने वाले हैं, वो सब्जेक्ट पूरी स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन एक बार अच्छे से समझ में आ गया है ये बहुत आसान है। और मेरे हिसाब से रिसर्च मेथोडोलॉजी हर मानव या हर प्राणी का एक इनबिल्ट एक्शन एंड एक्टिविटी है। अपने को रिसर्च अपने बिफोर बर्थ से लेकर डेथ तक अपने को मालूम थी, लेकिन सिर्फ सिस्टमेटिकली अपने को ये काम करना है। तो रिसर्च को कौन कौन सी मेथड्स के जरिए सिस्टमेटिकली साइंटिफिकली एक पॉजिटिव वे में और पॉजिटिव बेनिफिट एंड आउटकम के लिए किया जा सकता है, उसके बारे में ये सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी है। और ये रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट सिर्फ अपने कोई एमकॉम के लिए नहीं है, पूरे लाइफ के लिए है। रिसर्च स्किल्स आर ए पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स ऑफ अ पर्सन। ऑटोमेटिकली जितनी अच्छी रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक्सपर्टेज अपने पास रहेगा, उतनी अपॉर्चुनिटीज अपने को लाइफ में सक्सेसफुल रहने के लिए मिलने वाला है। सो विथ दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन आई टेक लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ एंड स्टे प्रोटेक्टेड, एंड आई ऑल्सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू द एमकॉम सेकेंड सेमिस्टर एंड पर्टिकुलरली टू द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके अलावा जो जो भी क्लासेस आएंगे आपको ऑनलाइन पे या ऑफलाइन पे, उसको आप जरूर पढ़ते रहेगा, देखते रहेगा, दो बार तीन बार तीन बार देखते रहेगा, अच्छे से समझते रहेगा और एक टेक्स्ट बुक लेके उसको ओवरऑल व्यू करते रहेगा।